I saw love is like running, मतलब वो नीचे आ रहा है. मुझे जो चोट लगा वो कुछ अजीब था ना. हाँ सब अचानक धक्का लगा और कट कट हो गया. ये वीडियो है कंटिन्यूशन वीडियो अबाउट द जोकर, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा सा रेस्पॉन्स इस बार मिला है एंड वी आर रियली हैप्पी. एंड सो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के सब लोगों के साथ बात किया जाए एंड जानते हैं कि ये सब प्रोजेक्ट कैसे हुआ. सबसे पहले बोलो कि स्टार्ट कौन करेगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए. मैं तो पहले से इस ग्रुप की मेंबर हूँ, तो मैं अगर पर्टिकुलरली इस मतलब जोकर के बारे में बोलूँ तो यस, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही अलग था कॉन्सेप्ट. एंड उसके लिए तो पूरा क्रेडिट आपको जाता है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सोचा एंड इतना गाना इतना अच्छा था, उसमें जो स्पूकी वाइब्स था वो माय गॉड वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. एक्चुअली मैंने उसको जब फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद मैंने पहले मैंने बोला था कि मनीषा एक रोल है उसमें तुमको बांधा जाएगा पीटा जाएगा. एंड लिटरली मैं मुझे इतना डर लगा था कि कैसे बांधने, क्योंकि उन्होंने इन लोगों ने प्लान किया था कि मुझे बांध के लटका देंगे एंड उसके बाद मेरे पे टॉर्चर होगा. एंड वो एक्चुअली तुमको ऐसे ही बोला गया, तुम सच में सोच रहे क्या? हम लोगों ने लिटरली इसको बोला था कि इसको तुमको पैसे बांध के उल्टा लटका देंगे. एंड ऑनेस्टली रात को मुझे ऐसे ही बोला गया था कि तुमको बांध के लटका देंगे और फिर टॉर्चर किया जाएगा, तो मैं फिर भी एग्री हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत मन था इसका कॉन्सेप्ट सुन के, मुझे बहुत मन था. एंड यस, तो इसका तो पूरा श्रेय आप पे जाता है, धन्यवाद. अभी सबसे कम बात जो करता है एक्चुअली पूरा ग्रुप में सब लोग बात करते, सब लोग सबसे कम बात करता है ये लड़का, इसलिए सबसे ज्यादा टॉर्चर मुझे किया गया. अब तो एक्चुअली ये एकदम ही बात नहीं करता. स्टार्ट और सबसे मेन जो कैरेक्टर हम लोगों का था बादशाह डिक्रूज, इसका एक्चुअल नाम है राज, इसका नाम अभी बादशाह डिक्रूज पड़ गया. तुम्हारा एक्चुअली सबसे ज्यादा तुम्हारा तारीफ है तुम्हारी एक्टिंग के लिए, तो सब लोगों को जान तुमके एक्टिंग सीखा हुआ है या नहीं? एकदम खुद से. वाह, मैंने बहुत पहले से मेरा शौक था लेकिन हो नहीं पाया. इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था पति पत्नी और एक्स, फर्स्ट वीडियो मेरा था वो, लेकिन सब कोई बोल रहा था कि देख के तुम पहले से किया हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया. इवन मैंने भी खुद पर्सनली अनिबंधा को बोला था कि तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा. कमेंट सेक्शन खोल के देखो कमेंट सेक्शन. बादशाह फैन बना दिया तुमने. कोई तो मुझे कमेंट किया बहुत मर गया. अच्छा एक और जो बहुत कम बात कर रहा है अभी फिलहाल, पता नहीं क्यों. लव क्या हुआ तुमको, बुखार है? नहीं देखे तो सब ठीक है. तो बोलो तू. एक्चुअली हम लोगों का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम दोनों ने बैठ के ही बनाया था ये कॉन्सेप्ट. तो लव तुम्हारे मैं बात करने के लिए इसको टॉपिक दे देता हूँ क्योंकि ये बात नहीं करेगा नहीं से. ये जो गाना जो था इनिशियल जो गाना जो था ये लव का था एक्चुअली. लव का ये मुझे लाके दिया था ये वाला गाना एज अ क्या बोलते उसको हरियाणवी टाइप का कुछ एक रोमांटिक सॉन्ग था उसको लाके मेरे पास. अच्छा लव पहले एक बार चार लाइन एक बार अपना असली गाने का. असली गाने का मतलब वो भूल गए कैसा था. एक बार गाना एक बार ओरिजिनल जैसे लिखा था तुमने. चल दो लाइन सुना दो. ओ तेरी फोटो जब जब देखो तेरी याद आ जाए, तेरे दिल विच मेरे लिए तो थोड़ी भी जगह नहीं वे. मैंने प्यार बहुत किया पर की फायदा, जिंदगी में मैं तेरा जोकर बन गया. इसी तरह से ये पूरा एकदम फुल जो सॉन्ग जो था ये ऐसे मतलब हरियाणवी टच का था. एंड जब ये लाके मेरे पास दिया ना, ये ना बहुत दिन पहले लाया था ये गाना एक्चुअली, बहुत दिन हो गया ना, छह महीने के आसपास हो गया ये लाके दिया था ना. तो रिसेंट में क्या होता, एक्चुअली आई एम बिग बिली आइलिश फैन,
एकदम मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी मेरा नाम लीजिए हाँ, ये भी हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं देखो ये कंटेंट अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट निकल रहा है ना तो सारा रोमांटिक कंटेंट है एंड सैड कंटेंट सब लोग मतलब है यहाँ पर। देखो सबसे कॉमन जो थीम यहाँ पर अभी हो रहा है वो क्या होता है कि लड़का लड़की से प्यार करता है या तो लड़का मर जाता है लड़की मर जाता है ऐसा टाइप का सारा में है। लेकिन हम लोग करना था कुछ मतलब डिफरेंट टाइप का जिसमें मतलब कुछ एक अलग सा फील है। तो इसलिए लव को मैंने बोला कि तुम्हारा वो वाला गाना था ना ये वाला ये कुछ जोकर बन गया तो ये बोले कि हाँ हाँ ये गाना था इसको मतलब क्रीपी करना। तो बोले कि ये कैसे होगा तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास छोड़ के जाओ। छोड़ के जाने के बाद वेट टू के टू द टाइम एंड हम लोगों ने बनाया ये वाला कि धीरे 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 जब ये फाइनल रिजल्ट जब ये सुनना सुनने को आया दादा बेटा मर गंटा फर्स्ट रिएक्शन इज अभी तुम्हारा अभी नेक्स्ट एक और गाना है जो मैंने बर्बाद करना बाकी है ये ऑलरेडी एक दूसरा गाना लेके आ चुका है वो भी हम लोग बर्बाद कर देंगे थोड़ा सा। बर्बाद नहीं होता अच्छा होता है गाना। लेकिन सबसे अच्छा लगा मुझे रात का कुछ 11 बज रहा था ना भैया फोन किया अनिरबंद है राज तुम्हें गुंडा बनना है ना हाँ भैया हाँ हाँ तो तुम आ जाना कल दोपहर 2 बजे। ये मुझे पहले से ही बोल रहा है भैया मुझे गुंडा का रोल करना है मुझे नेगेटिव रोल करना है। बहुत सूट करता है उसके ये सूट करता है। हाँ, ये सूट मुझे बचपन से शौक था कि हरा में इंसान बनवा अच्छा सबको ही बोलता है किसी को भी पूछ लीजिए और ये सब डॉक्टर वो बनेगा पायलट बनेगा तो ये बेकअप वगैरह चला जाता है से एक्स बना देता है। लेकिन जो नेक्स्ट आएगा उसमें मैं एक्स नहीं रहूंगा दोनों में मैं एक्स रहा एक्स बोल एक्स नहीं इस बार रोमांटिक इस बार रोमांटिक होना। और मुझे तो कोई भी उसमें किसी में भी तो बॉयफ्रेंड देते नहीं और इसमें जो भी दिया एक को मार दिया और एक को ले लिया मतलब मेरे साथ तो और ज्यादा अत्याचार होता है। अच्छा रोल दे सकता ना हम लोग क्यों जाति दुश्मनी। ओके एंड एक और यहाँ पर आदमी तो नहीं बोलते ना उसको क्या बोलते और लड़की और लड़की लड़की थी जो मतलब हम लोगों को जेंडर याद है मतलब मतलब क्या बोलेंगे ना वो चिनेटा कट कर दो यही रहेगा। सो सबसे ज्यादा जो हेल्प किया था जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ अर्पिता एंड शी वॉज इन द मेकअप कंप्लीट जो मेकअप राज का जो आप लोगों ने देखा या फिर इन लोगों के मुंह पे जो निशान थे मुख के बनाने का वो सब इसका करामात था। सो अर्पिता हाउ यू लर्न ऑल दिस मतलब कैसे खुद से जस्ट YouTube देख देख के और खुद प्रैक्टिस करते हैं। वाओ आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बट जो प्रैक्टिस यू डिड अ ऑसम जॉब यू डिड अ ऑसम जॉब क्योंकि ना जब भी मतलब यहाँ पर मतलब कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स में लाइक आउट ऑफ 10 8 कॉम्प्लीमेंट्स वहां पर था हु डिड द मेकअप एक्चुअली मैंने तुमको बताया भी था ना मैंने कि सारा वो क्रेडिट तुम्हारे यहाँ पर आ रहा है एक के बाद एक आ रहा है लाइक जस्ट बिफोर वन डे ऑफ द रिलीज मैंने जब तुम्हारा फोटो अपलोड किया था जब फाइनल लुक ऑफ जोकर यहाँ पर मेरे कम मतलब इनबॉक्स में व्हाट्सएप के इनबॉक्स में और भर्ती हो गया हु डिड द मेकअप एकदम सच में यू डिड ऑसम जॉब। मतलब अगर प्रोफेशनल नहीं हो कि इतना अच्छा मेकअप करती है प्रोफेशनल होने से तो बवाल कर देगी एक्चुअली। मैंने कभी सोचा नहीं मेरा वर्क इतना अप्रिशिएट करेगा लोग। एज अ मेकअप लवर मैं खुद प्रैक्टिस करती थी लाइक यूट्यूब देख देख के तो करते करते इट्स लाइक अनिबान दादा ने मुझे ऐसा ऑफर दिया करेगा क्या मैं ओके बट प्रोफेशनली मैं करने नहीं वाली थी देर मैंने किया बट लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया इवन मुझे पर्सनली DM कर रहे कि बहुत अच्छा काम किया like I was like thank you very happy yeah I am कुछ तो बोलो तुम्हें कैसा लगा कुछ yes तुम्हें जब मैंने बेचना से मारा तब कैसा लगा था भाई वही बोल दो। मेरा टाइम तो लगा जो गाना सुना तो लगा मतलब जैसा लगा मतलब वो दूसरा ही पलट गया मतलब पूरा वीडियो में जो एक्टिंग कर रहा था तब वैसे रिमेम्बर मतलब भुटिया तब लगा था मुझे और फिर वो सब तो छोड़ो आई हैव दैट फोटो एक्चुअली वो सब तो छोड़ो ठीक है प्रभात एक बात हमको बोलो कि रोमांस करके इस बार पहली बार कैसा लगा तुमको तुम्हारा कंप्लेन था कि तुमको रोमांस नहीं मेरा कोई भी नहीं बोलो बोलो कोई कोई देख रहा है अच्छा कोई देख रहा है # कोई देख रहा है वैसे कैसा था बताओ मतलब एक ही पार्ट हमको याद है
जो मतलब हम गाली दूसरा देने वाला था मुझसे बहुत गंदा गाली निकल गया तो हमको गिल्ली खेल रहा था घर पे आके हमको क्या बोल दिया क्या सोचेगा क्या हमको सामने सब था ना तो हमको बोला कोई बात नहीं बोले चलता है ऐसा जब कैमरा हुआ अच्छा बच्चा बन गया मैन वॉइस निकालो सबसे फनीएस्ट पर मुझे क्या लगा था ना आपको अरे बंदा बोला तुमको हम बोले बॉयफ्रेंड पार्ट दे देगा नहीं नॉर्मल पार्ट देगा तुमको हम विलेन पार्ट बनाने वाला नहीं है इसको पता है एक बार तुम शक्ल देखो नहीं इसका तो मैं भी नहीं करता है एकदम हालत है छोटा बच्चा है फनीएस्ट पार्ट वाज जब तुमको वो जो सीन जो था जहां पर मतलब राज तुमको मतलब टॉर्चर कर रहा है निया से गाली दे रहा है राज इसका मुंह ऐसे पकड़ा हुआ है और ये हाथ छोड़ उसका भाई वाले पार्ट में तो हम बोल रहे हैं कि मैन वॉइस निकालो हाथ छोड़ उसका एंड आई वाज लाइक पीछे से अरे मुंह पकड़ा हुआ है ए सर हाथ छोड़ उसका अगर आप वीडियो में जाकर अगर आप देखे तो आप इसका लिपसिंग पढ़ सकता हाथ छोड़ अच्छा राज तुमने क्या सच में इसको मार दिया था उसमें नहीं ये तो हाँ बोला था मुझे बचा लिया था हाँ एक्चुअली वो जो शायद उसका ये लगा था हमारा नॉर्मल पीछे में नहीं ये वाला पर्सन लगा हां शायद वो लगा ये तो फिर भी तुम ठीक है इसको मारा मारा वाला केची लग गया था मेरा इधर मेरे कान से लेके केची मारा हां दैट सीन ऊफ आई डिडंट बट वो सच में मार रही है ये सच में मार रही है लिटरली वो केची मेरे कान का उसमें से घुस के मेरे बचपन से शौक था ना गुंडा बनने का इसलिए ये जब कैरेक्टर में घुसता है तब लाइक लिटरली ही गोज इनटू द कैरेक्टर एंड आई मस्ट अप्रिशिएट इसने वो जो सीन जो था हाथ काटने का सचमुच उसको लग गया था वो एक्चुअली वो सीन के लिए उसने ऐसे नहीं खींचा है अगर आप वीडियो का अगर स्लो मोशन में अगर आप देखो तो वो सच में हाथ को उसने काट दिया था लगा नहीं शायद लगा लगा स्क्रैच लगा था पूरा एंड मेन पार्ट ये इतना बदमाश है ना उसका शांति नहीं है बॉडी में मैंने इतना बार मुझ में मुझ का आई गेस मतलब मेकअप ट्राई किया मेरा तो कभी कट नहीं हुआ इसका कहां से कट होगा मालूम नहीं मेरा बाद में जाकर मुझे मैसेज कर दे यहां पे कट आया कैसे उसका उसका शांति नहीं है हम बोला तो थोड़ा रुक जाओ उसको ड्राई होने दो नहीं इसने मुझे दो बार चोट दिया एक बार पानी जो फेंकने वाला सीन था एंड वो लिटरली मुझे अनिर्बान दा ने मैसेज फोन पे बताया था कि तुम पे सिर्फ मतलब वो पानी थोड़ा सा पानी मेरे फेस पे आएगा एंड मैं आग बंद करके हूँ एंड वो मुझे ग्लास में आके पानी फेंकता है प्रैक्टिकल वो नहीं आता अगर तुमको पहले से बता देता तुम्हारे पर गैस से पानी मारा जाएगा हाँ। तो तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्टिंग वो नहीं निकलता ना हाँ, मेरा आँख बंद हो गया था मेरा आँख ही नहीं खुल रहा था उसके बाद खुल तो गया ना सब दुला दुला लगे हाँ लिटरली मेरा आँख बंद हो गया था उस टाइम पे मुझे तो लगा था मैं अंधी हो गई नहीं हुआ ना बट हाँ बहुत जोर से लगा उसको बट अच्छा वो शॉट तो अच्छा हुआ ना शॉट से मतलब जो भी एक्चुअली इस शूट में जितना भी शॉट्स आया है ना सिर्फ प्रवक्ता रोमांस छोड़ के वो सारे एक्चुअल में मतलब इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके थे ना रियलिस्टिक था सब कुछ रियलिस्टिक क्योंकि हुआ था एंड लास्ट पार्ट में जो राज ने हाथ काटा है कब पानी का सब भी कुछ ऐसा छिटका आया हाँ, ना हाँ, हाँ. वो चीज एकदम रियलिस्टिक लगा कि सच actually, में वो actually, हाथ काट दिया लास्ट पार्ट वाज ऑसम ये डिटेल मुझे ना पता नहीं चला था कैमरा में लेकिन जब मैंने शॉट देखा आई थॉट कि वाओ राज बहुत अच्छा लगा यू आर ब्रिलियंट एक्चुअली यू आर ब्रिलियंट एक्चुअली यू आर ब्रिलियंट एक्चुअली क्या हुआ कि नहीं प्रैक्टिकल हम लोग का इतना ज्यादा क्यों अच्छा आ रहा है क्योंकि ना इसमें कोई भी ज्यादा एक्टिंग एफर्ट कुछ किसी ने डाला नहीं ज्यादा क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा था जैसे इसको मारा ना इसको सच में मार दिया इसको एक्चुअली इसको मारा एक्चुअली इसको मारा हम लोग ये हम लोग मतलब समझौता करके मारा था हम लोगों में मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इसको ओए तुमको जबरदस्ती मारा गया तुमको जबरदस्ती मारा गया ऐसे भी इधर जब भी आते हैं शूट करने के लिए मुझे मारते ही रहते हैं लोग हम लोगों ने कभी तुमको कभी नहीं मारा रे कभी भी ऐसा करके हम लोग ने मारा झूठ बोलती है मोनिशा यू ओके कट करो इसे उधर एक बात हुआ था कि उधर सच में भूत निकला था जहाँ पे हम लोग लास्ट शूट किए गॉड हम लोग लोकेशन यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करने दिखा दिया वो लॉकडा को रात को मुझे फोन करके बोलता है
गोनी, हम लोग जहाँ पे शूट किए थे ना वहाँ पे एक्चुअल में घोस्ट था एंड एक्चुअल में मतलब लव ने वहाँ पे देखा था, तो आप लोग सोच ही सकते हो। तो इतना इसका पैर कट गया था, मुझे इतना चोट आया, इसको भी चोट आया, मतलब सबको अचानक इवन वहाँ पे लाइट्स भी बार बार ऑन ऑफ हो रहे थे बहुत टाइम। हम लोग के घर में पहले सुबह को शूट था एंड देन हम लोग लोकेशन पे गए रात को, तो हाँ रात को लाइक 6:30 के आसपास, हम लोग 6:30 या 7 के आसपास। तो लव को मैंने बोला कि ठीक है लव, एक काम करो लाइट का सेटअप करो, मैं नीचे से इन लोगों को देख के आता हूँ, मैं इन लोगों को लेके आता हूँ। मैं जब ऊपर गया लाइक ये लोग को थोड़ा टाइम था तो मैं लव को हेल्प करने के लिए ऊपर चला गया। जैसे मैं ऊपर उठा लव नीचे आ रहा था एंड लव यू रियली सॉ दैट। हाँ मुझे दिखा जो एक आदमी हमें बैठा हुआ है, हाँ ऊपर में एक लाइट लगा रहा था मैं, तो लाइट तो मैं लगाना एक बार लगाया तो जला लाइट फिर ऑफ हो गया, तो फिर मैं जो मैंने सोचा कुछ हुआ है शायद, मैं आ रहा था तो देखा यहाँ पे कोई बैठा है, तो मैंने यहाँ पे कौन बैठा है अंदर पे, तो क्या क्या जिस भी लाइट को जलाना जिस भी तार को पकड़ के हम लाइट जलाया गाय बात में, इतना डर लगा था हमको, हम तो हम ऊपर में अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास में, आप भी नहीं थे। विश्वास करो है ऊपर में आदमी एंड देन मैंने बोला ठीक है जो भी हो हम लोग अभी हमें चलो एक साथ जाते हैं किसी का लाइट को सेटिंग करते हैं, अभी कुछ नहीं बोलना है, अगर कुछ अगर बोलेंगे तो पूरा कास्ट बाहर जाएगा वहां से। और हम तो जाते हैं भागने वाले, इसने मुझे बोल दिया था, इसने बोल दिया तुमको, इसको मैंने बोला नहीं नीचे कोई था भैया एक था बोल रहा था उनमें मत जाओ, उनके दूसरे रूम में मत जाओ, तुम लोग जो करना है बाहर में करो। हम पूछा था क्यों, तो ये जा रहा था वहां पर जाने का जरूरत नहीं, तुम लोग बोला नहीं बात एंड एंड वहां पे इतना टाइम ये दोनों जाने वाला था, तब मैंने पहले जाने वाला नहीं था मतलब साइड में जा रहा था एक्चुअली, इतना लाइट ऑन हुआ मतलब तभी ना थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था। अभी यहां पर शूट हो रहा है, यहाँ पर लाइट सेम लाइट सेटअप वहां पर भी था, यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था लेकिन यही लाइट सेटअप था वहां पर, लेकिन यहाँ पर देखो एक बार भी लाइट ऑफ नहीं हो रहा है बहुत टाइम हुआ एंड ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज मैं पहले भी निबंधा के साथ काम कर चुकी हूँ एंड हम लोगों ने रात को भी शूट किया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ लाइट ऑन ऑफ इतना टाइम तो नहीं हुआ, कभी कभार एक दो बार, लेकिन उस दिन वोल्टेज प्रॉब्लम कैसे ऊपर है ना नेटवर्क नहीं था 4G का जमाना है। ये जोकर एक्चुअली में हम लोग को स्पूकी वाइब्स दिया एक्चुअली में, हम लोग भूतिया शूट में वो भी भूतिया घर में, भूतिया घर में ये जोकर के जगह कंचना हो जाता थोड़ा टाइम और रुकने, कुछ एक वहां पर मौजूद तो था लेकिन ये बात मुझे डिस्क्लोज नहीं करना था कैमरा पर बोल दिया तू, मुझे लगा ना बादशाह का ऊपर इफेक्ट किया, हमको बोलेगा मुझे लगा बादशाह का ऊपर इफेक्ट किया, मुझे भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा, एक्टर्स लोग को सबको लगा एक्चुअली नहीं, अभी क्या हुआ था कि उस टाइम में अगर सबको अगर बोल देता ना सब लोग भाग जाते अभी ऑन कैमरा क्यों बदतमीजी करता तुम इसके साथ, ऑन कैमरा नहीं करना इसके साथ, क्यों बदतमीजी करता है, शॉर्ट काट देना, शॉर्ट काट देगा हम लोग, शॉर्ट काट देंगे। जब डायरेक्टरी आपका भैया हो ना तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, देखो लिख लीजिए क्या हम लोगों ने रुको नोट कर लेता है मैंने कभी भी रोमांटिक टाइप का शूट नहीं किया अनिमंदा के साथ, कभी नहीं किया है, पहला था ना यार, और इतना कॉमेडी था, प्रभा तो मेरे को बिठा दिए बिस्तर में एंड बोल रहे हाँ अभी तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा शूट करो, मतलब वो बहुत ही फनी सीन था, इधर में अनिबंदा इधर में ऑन कैमरा देखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसने एक्चुअल में नहीं था, ये क्या बोल रहा था उसको सबसे ज्यादा तो वो फनी था एखन के एलो
मैं इसको बोल रही थी प्रभात को कि तुम धीरे धीरे मेरा बाल हटाओ, मुझे क्वेश्चन करो, हंस हंस के क्वेश्चन करना, और बोल दी ऐसी मुस्कुरा कर बोल रही थी ताकि कैमरे में दिखने को लगे कि हम लोग बात करें, बट हम लोग एक्चुअली में ये सब बात कर रहे थे कि इधर इधर पकड़ो, उधर उधर से बाल हटाओ, ये सब कर रहे थे बात कैसे. हाँ, और मैं वो बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये पूरा वीडियो में वो सबसे ज्यादा मेरे लिए मतलब वो था क्या बोलूँ मतलब मुश्किल था. ये अभी यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं बोला कि हम लोग को लव को बोल रहा था कि इसको सिर्फ रोमांटिक सीन ही हमको ये सब रोल नहीं चाहिए, बांदाबंदी का हमको इसे रोमांटिक रोल चाहिए, इसे रोमांटिक रोल चाहिए, तो बाकी रोल कौन करेगा? मुझे सबसे अच्छा, मैं दोनों कर लूंगा. जरूर बोलो कुछ तो बोलो, यही बोलो कुछ तो बोलो. उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर क्या करना? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वायरली ऑसम को. घंटे के बटन को दबा देना ताकि हम लोगों का नेक्स्ट गाना अगर जब भी आए या फिर नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो फिर वो आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके. एंड सजेशंस जरूर देना कि हम लोग नेक्स्ट क्या ला सकते हैं. एंड और ये वीडियो में मुझे 4K व्यूज चाहिए. तुम लोग देख रहे हो, शेयर नहीं करते हो, मेरा फैन खास करके मेरा फ्रेंड सबको मैं बोल रहा हूँ. हाँ, जितना भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है हो सके शेयर करना ताकि हम लोगों को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले. एंड ये गाना सब जगह पर अवेलेबल है, Spotify, iTunes, Jio Saavn, सब जगह पर जाओ गाने को सुनो और फैला दो सब जगह पर. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय बाय.